दोस्तों, कहा जाता है अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छी प्लानिंग व्यवसाय का सार है। ये सभी चीजें सक्सेसफुल बिजनेस का मेन पिलर होते हैं। तथागत गौतम बुद्ध से भी व्यवसाय और मैनेजमेंट के बारे में बहुत सी सीख मिलती है। बुद्ध ने अपने जीवन काल में बौद्ध संघ की स्थापना की थी, लेकिन उस संघ की एक खासियत बात यह थी कि बुद्ध अपने से भी ज्यादा अपने संघ को महत्व देते थे। बुद्ध हमेशा कहा करते थे कि मैं खुद इस संघ का सदस्य हूँ, मालिक नहीं। मैं इसे नहीं चलाता हूँ, बल्कि इस बौद्ध संघ के द्वारा हम लोग चलते हैं। अर्थशास्त्री जॉन हिक्स के अनुसार प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट दूसरों के द्वारा और उनके माध्यम से काम करवाने की प्रक्रिया है। जॉन हिक्स कहते हैं, किसी संगठन में सभी गतिविधियां एक ही व्यक्ति द्वारा नहीं की जा सकती है, बल्कि कार्य करने के लिए अन्य लोगों की आवश्यकता होती है और दूसरे लोगों से काम लेना ही प्रबंधन कहलाता है। केवल उचित प्रबंधन ही इसे संभव बनाते हैं। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट दूसरों से काम करवाने की कला है। लेकिन इतना कुछ सीखने और जानने के बाद भी हम लोग अपने बिजनेस में सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? क्यों हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं और कुछ ही दिनों के बाद ही हमें असफलता मिलती है? क्यों बहुत से अनुभवी लोगों का भी बिजनेस फेल हो जाता है? आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। अगर इस कहानी को अंत तक आपने ठीक से समझ लिया तो आप भी अपने जीवन में एक बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, चाहे आप अपनी बिजनेस छोटे से ही शुरू क्यों ना करें। इसलिए इस बिजनेस मोटिवेशनल स्टोरी को आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि आपके आस पड़ोस, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त लोग या कहे आपके जितने भी कलीग्स है, वे सभी लोग ज्यादातर नौकरी छोड़कर किसी न किसी तरह के बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस ही वो जरिया है, वो माध्यम है जिसमें आप मनचाही पैसों को आकर्षित कर सकते हैं, मनचाही पैसे कमा सकते हैं, मनचाही पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात आपको याद रखना होगा, बिजनेस में रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है और वहीं मुनाफा भी ज्यादा होता है। देखिए, यहाँ पर लोगों की मंशा ये होती है कि लोग अपने बिजनेस को शुरू करें और बहुत सारा पैसे कमाए। लेकिन किसी भी बिजनेस को शुरू करना और उस बिजनेस को सफल बनाना, यह दोनों बहुत ही अलग अलग बातें होती है। बिजनेस शुरू करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन उसे कंटिन्यू रखना, उसके जरिए पैसे कमाना, ये बहुत ही मुश्किल है। और शायद इसीलिए कई लोग जोश जोश में पैसे इन्वेस्ट करके बिजनेस तो शुरू कर देते हैं, लेकिन वे लोग अपनी बिजनेस को ज्यादा लंबे समय तक चला नहीं पाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे नुकसान होना शुरू हो जाता है, और जब लोगों को अपने नुकसान के बारे में पता चलता है, तब तक उनकी बिजनेस आधा से ज्यादा डूब चुकी होती है, वह भीतर से खोखला होता जाता है। अर्थशास्त्री जॉन हिक्स कहते हैं कि बिजनेस को चलाने के लिए और एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए हमें बहुत ही अधिक नॉलेज और सही मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। अगर एक सही ज्ञान के साथ, सही मार्केटिंग के साथ आप अपने बिजनेस में उतरे हैं तो आप अपने बिजनेस में जरूर सफल होते हैं। आइए इस मोटिवेशनल स्टोरी के जरिए हम जानेंगे कि आखिर एक सफल बिजनेसमैन कैसे बना जाता है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए ताकि हमारा बिजनेस ठीक से चल सके। वीडियो के अंत में आप ये भी समझेंगे कि किन किन चीजों की वजह से हमारे काम में ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन मेरी आपसे एक ही विनती है, अगर आप इस चैनल में अभी तक नए हैं, इस चैनल में आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप इस चैनल के सभी वीडियो बहुत ही आसानी से पा सके। ये कहानी बहुत ही प्राचीन समय की है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम हीरा था। उनके पास कई सारे बड़े बड़े खेत थे जिनमें से वह खुद खेती करा करता था। उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी। हीरा मेहनती तो बहुत ही अधिक था, और शायद इसी की वजह से वह लगातार फसल पे फसल उगाया जा रहा था। उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी और उस फसल को बाजार में वह बेचकर उससे जो कुछ भी मुनाफा होता था, उस मुनाफे को वह इकट्ठा कर करके रखता था। समय समय पर वह कुछ कुछ सामान खरीदता रहता था जो उसके काम में मदद आ सके। उसे लगातार मुनाफा पे मुनाफा आ ही रहा था। धीरे धीरे हीरा गांव का बहुत ही धनी व्यक्ति बन गया। उसने खेती करने के लिए कुछ मजदूर भी रख लिए, क्योंकि उन्हें ये लगने लगा कि अगर मजदूर रखते हैं तो फसल और भी ज्यादा मात्रा में उगाई जा सकती है। ऐसा करते करते हीरा गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया था। धीरे धीरे उन्होंने मजदूर के साथ साथ खेतों की जुताई करने के लिए ट्रैक्टर भी खरीद लिया और खुद घर में रहकर आराम करने लगा। हीरा ने अपने खेतों का सारा काम दूसरों को सौंप चुका था। खेतों में क्या हो रहा है, कौन सी फसल हो रही है, कैसा मौसम चल रहा है, इन सभी चीजों के बारे में उन्होंने धीरे धीरे ध्यान देना छोड़ दिया। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, उनके मजदूरों ने काम भी अच्छा किया और बहुत सारे मजदूर होने के कारण उनके खेतों में फसल भी बहुत ज्यादा लगाई जाती थी। लेकिन कुछ समय के बाद मजदूरों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। वह ना टाइम पर फसल लगाते थे, ना टाइम पर फसल की देखरेख करते थे, ना सिंचाई करते थे,
और ना ही फसल में जितने भी कीड़े मकोड़े और घास थे उन्हें सफाई करते थे। जब फसल कम होती थी तो मजदूर लोग अपने मालिक से यही कह देते थे कि खराब मौसम की वजह से इस बार फसल कम हुई है। हीरा की यहाँ पर सबसे बड़ी गलती यही थी कि वह ना तो खेतों में देखने के लिए आते थे और ना ही वह कुछ काम करते थे। वह चुपचाप अपने घर में बैठे रहते थे और उन्होंने अपने मजदूरों पर पूर्ण विश्वास भी कर लिया था। चीजें ऐसे ही चलती रही। हीरा मजदूरों पर विश्वास करता रहा और धीरे धीरे हीरा के खेत बंजर होने लगे। हीरा भी यही सोचता था कि मौसम की वजह से अब खेती में कुछ नहीं रहा और यह सोच सोच कर वह अपने खेतों की तरफ जाता भी नहीं था। एक दिन उस गांव में एक दूसरा व्यक्ति आया जिसका नाम श्याम था। श्याम बेचारा बहुत ही गरीब था लेकिन उनकी लगन और मेहनत बहुत ही अधिक थी। वह किसी भी काम में बहुत ही लगन और मेहनत के साथ किया करता था लेकिन उसकी समस्या ये थी कि उसके पास खेत नहीं थे। जब श्याम ने गांव के लोगों की खबर ली तो उन्हें पता चला कि हीरा नाम का एक व्यक्ति है जिनके पास बहुत सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं। इतना जानकारी मिलने के बाद श्याम सीधा हीरा के पास चला जाता है और बोला, गांव के लोगों से मुझे पता चला है कि आपके खेत बंजर पड़े हैं, आप एक काम करें, वह खेत आप मुझे दे दीजिए, उसके बदले मैं आपको हर साल कुछ पैसे देता रहूंगा। हीरा ने सोचा, ऐसे भी खेत तो मेरे कुछ काम की है ही नहीं, मैं उसमें कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ, सभी खेत तो बंजर पड़े हुए हैं, क्यों ना इसे दे दिया जाए, शायद इसके वजह से मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। फिर हीरा उनकी बात मान गए क्योंकि उसको अपने खेतों से कुछ फायदा तो हो ही नहीं रहा था। हीरा ने अपने 5 खेत श्याम को दे दिए। ठीक उसके दूसरे दिन से ही श्याम ने खेतों में फसल लगाना शुरू कर दिया। श्याम बहुत ही मेहनती था, वह बाहर से मजदूर लाकर खेती करता था और खुद भी सारा दिन उसके साथ लगा रहा था, अपने फसल का ध्यान रखता था, समय समय पर उसमें दवा पानी खाद सभी डालते थे। उसके साथ ही साथ समय समय के साथ फसल के साथ जो भी घास होते थे उन घासों को वह निकाल फेंकता था। मतलब पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ श्याम उन खेतों में काम किया करता था और साथ ही साथ श्याम मजदूरों के साथ भी उन खेतों में काम किया करता था। ऐसा करते करते 3 साल बीत गए हैं और श्याम ने हीरा के 5 खेतों से ही बहुत सारा धन कमा लिया था। उसकी फसल हर साल अच्छी होती थी और वहीं पर दूसरी तरफ हीरा की फसल हर साल बेकार होती गई और धीरे धीरे हीरा पर लोगों का कर्जा हो गया। हीरा के हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कर्ज चुकाने के लिए भी उन्हें अपने खेत श्याम को बेचना पड़ा। जब ये सारी बातें श्याम को पता चली तो वह तुरंत हीरा के पास आया और उनसे कहा कि मित्र, आप एक काम करें, आप खेती करने के लिए मुझे अपने सारे खेत दे दीजिए और उनके बदले मैं जो भी पैसे आपको दूंगा उससे आप अपना कर्जा चुका दीजिएगा। फिर श्याम बोलते हैं, पहले तो आपने मेरी बहुत मदद की थी और इस बार मैं आपकी मदद कर देता हूँ। यह सुनकर हीरा बोला, अच्छा पहले एक बात ये बताओ कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? तुम्हारे पास तो सिर्फ 5 ही खेत थे और मेरे पास लगभग 20 खेत हैं। तुम्हारे पास 5 खेतों के जो भी पैसे होते हैं उसके बदले तुम मुझे पैसे भी देते हो, तुम्हें घर का खर्चा भी चलाना होता है और रही बात खेतों में तो अच्छी फसल हो भी नहीं रही है, फिर इतने पैसे तुमने कमाए कैसे? श्याम बोला, यह सब पैसे मैंने आपके द्वारा ही दिए गए खेतों से कमाए हैं। मैं खेतों में मजदूरों के साथ खुद भी काम किया करता था, अपनी फसल की निगरानी भी रखता था, समय के साथ साथ फसल भी बदलता रहता है, ये तो आप जानते ही होंगे। बस मैं वही किया, समय के साथ साथ फसल बदलता रहा, सभी मजदूरों को मैं देखता रहा, सभी मजदूरों के साथ साथ मैं हर वो काम करता था क्योंकि मुझे कभी भी अपने मजदूरों पर पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा था। मैं कभी भी अपने मजदूरों पर निर्भर नहीं था, अगर मजदूर नहीं भी होते तो मैं किसी तरह भी उस काम को करवा पाता, इसलिए मैं खेतों के हर काम को बारीकियों से देखता था, मैं मजदूरों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करता था और ये सभी संभव हो पाया सिर्फ और सिर्फ उनके साथ रहकर, उनके साथ काम करके। लेकिन मैं जब भी आपको देखता था आप कभी खेत में आते ही नहीं थे, आपके मजदूरों ने तो मनमानी भी करना शुरू कर दिए थे। यहाँ पर आपकी गलती यही थी कि आपने अपने खेतों में कभी ध्यान ही नहीं दिया, आपने कभी नहीं देखा कि मजदूर कैसे काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी मनमानी चलाकर आपकी फसल और खेत दोनों ही बर्बाद कर दिए हैं। श्याम की ये बातें सुनकर हीरा समझ चुके थे कि उनसे क्या गलती हुई। फिर उन्होंने अपने सारे खेत श्याम को दे दिए और श्याम के साथ ही वह मिलकर लगातार खेती करने लगा। कुछ ही सालों के बाद हीरा की जिंदगी फिर से सुधर गई थी, वह फिर से गांव का एक धनी व्यक्ति बन गया था क्योंकि उसके पास खेतों की संख्या ज्यादा थी लेकिन वह सही से प्रबंधन नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, इस बिजनेस मोटिवेशनल स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। अक्सर लोग अपने बिजनेस या काम को दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं या सोचते हैं कि वे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी अनजान व्यक्ति के साथ मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। हालांकि ऐसा करना कई बार हानिकारक सिद्ध होता है। कहीं अन्य व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा करना और खुद काम पर ध्यान न देना बड़ी गलतियों की ओर ले जाता है। यह देखा गया है कि जब आप अपने काम की जाँच नहीं करते तो धोखा खाने की संभावना बढ़ जाती है।
कई बार वही लोग जिन पर हम भरोसा करते हैं हमें धोखा देते हैं और हमारे बिजनेस को डुबा देते हैं। जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं सबसे पहले उसे खुद सीखना चाहिए। जब तक आप खुद उस काम को नहीं समझेंगे तब तक उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। किसी भी बिजनेस का सफल संचालन तभी संभव है जब आप उसके हर पहलू से वाकिफ हो। यह आवश्यक है कि आप अपने बिजनेस की हर छोटी बड़ी जानकारी रखें। जब आपका बिजनेस चलने लगे तब आप उसमें दूसरों को जोड़ सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि आप हमेशा अपने काम की जांच करते रहे। यह देखना कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन काम चोरी कर रहा है, आपके बिजनेस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने काम को दूसरों के भरोसे छोड़कर मौज मस्ती या आराम में लग जाएंगे तो वह काम हमेशा नुकसान ही देगा। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने बिजनेस में शामिल हर गतिविधि पर नजर रखें। जब आप अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो आपको मालूम होता है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं, और उस वक्त आप समस्याओं का समाधान भी जल्दी कर सकते हैं। देखिए, सफलता का रास्ता कठिन है। जब आप अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो आपकी मेहनत और लगन के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेने का मतलब ये है कि आप अपने कार्य में पूरी तरह से शामिल रहते हैं और हर छोटी बड़ी बातों पर ध्यान देते हैं। इससे न केवल आपका बिजनेस सफल होता है बल्कि आप एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति भी बनते हैं। मित्रों, सफलता का रास्ता कठिन है, लेकिन जब आप अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो यह रास्ता भी आसान हो जाता है। अपने कामों को दूसरों के भरोसे छोड़ने के बजाय खुद उसमें पूरी तरह से शामिल रहे। इससे न केवल आप धोखा खाने से बचेंगे बल्कि आपका बिजनेस भी सफल होगा। हमेशा याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और उन्हें पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या पता आपका एक कमेंट किसी का जीवन बदल दे। और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आसानी से पा सके। धन्यवाद।